हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवानी पचौरी। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। और आज मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराने वाली हूँ। मैं आपको क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करा रही हूँ अभी। और इसमें मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा बता चुकी हूँ। पहले दो क्लास मेरी हो चुकी हैं। और अगर आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है तो प्लीज़ पहले की दो वीडियोज़ को विजिट कीजिएगा। और आज मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर कराऊँगी। तो आइए चलो करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का फर्स्ट आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा रही थी। तो पहली बात यह है कि सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेल के कौन से पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको एक दिन डायग्राम बना के भी बताया था, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में, कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो नाउ, सेल इज मेनली कंटेन ऑफ थ्री पार्ट। सेल जो होती है मेनली थ्री पार्ट से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसे हम बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन। और इसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो मैंने लिख रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट है हमारा न्यूक्लियस, ओके। थर्ड है साइटोप्लाज्म। जैसे कि मैंने आपको जो सेल बनाई थी, ये था सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक था न्यूक्लियस, अलग पार्ट था न्यूक्लियस, और बाकी का जो लिक्विड सब्सटेंस था उसे मैंने बोला था साइटोप्लाज्म। तो जो सेल होती है, सेल के तीन कंटेंट्स होते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद आज मैं इसका फर्स्ट पॉइंट उठाऊंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इससे पहले और भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। जैसे फर्स्ट जो मॉडल था, सैंडविच मॉडल दिया था, इसे ट्राइलेमला मॉडल भी कहा गया था। सैंडविच मॉडल जो था, डेनियल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। नाम मुझे दूसरा याद नहीं आ रहा है अभी। डैनियल करके एक नाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया कि जो सैंडविच लाइक, क्यों बोला इसको, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सैंडविच की तरह होती है। सैंडविच की तरह कैसे, जैसे कि हम भी जब सैंडविच बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रेड लेते हैं, ब्रेड की स्लाइस लेते हैं, ब्रेड एक हम ऊपर रखेंगे, नीचे रखते हैं, फिर उसके बाद आलू वगैरह रखते हैं, आलू के बाद फिर हम उसके ऊपर दूसरा भी ब्रेड रख देते हैं, तो एक सैंडविच बन जाती है। इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन थी, उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ऊपर तो उसमें प्रोटीन लेयर होती है, नीचे भी एक प्रोटीन की होती है, जैसे कि ब्रेड होता है इस तरह से प्रोटीन, और बीच में जो होता है इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इस तरह से। तो ये क्या है, सैंडविच लाइक हो गया। इसका स्ट्रक्चर अगर देखो तो सैंडविच की तरह दिख रही है, ओके। तो ये सैंडविच लाइक मॉडल दिया था। फिर इसके बाद एक दिया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी यही था कि इस तरह से होती है। उन्होंने बताया कि कोई सेल है, और अगर वो सेलुलर है या फिर ऑर्गेनल है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होंगे। मतलब जैसे कि सेल की हो या ऑर्गन की हो सेल, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन तो सेम होंगे, लेकिन उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट होगी। केमिकल कंपोजिशन कैसे, जैसे कि जब सैंडविच लाइक मॉडल दिया था तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। प्रोटीन जो होती है वो इसमें 52% होती है, एंड लिपिड जो होती है या फॉस्फोलिपिड जो लिपिड जो होती है वो होती है आपकी 52, और ये हो गया आपका 40%, और इसके बाद बचा आपका कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 52%, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट होता है आपका इसमें 8%, रिमेन्स जो बचा वो बचा कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो इनके अकॉर्डिंग ये था जब सैंडविच लाइक मॉडल दिया गया था। और उन्होंने बताया कि ये जो एक कंटेंट बताया है हमें, वो आरबीसी सेल्स का बताया था। आरबीसी मैंने कल आपको फुल फॉर्म बताई थी, रेड ब्लड सेल्स, और इसको हम दूसरे नेम से एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ओके। अब इसके बाद आता है आपका ये थर्ड वाला मॉडल, जो था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब पहले ही दो साइंटिस्ट हमें दो मॉडल दे चुके थे तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी।
वो इसलिए क्योंकि जो उन्होंने मॉडल लिए थे, उन्होंने उस मॉडल के अकॉर्डिंग ये नहीं बताया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो परमिबिलिटी शो करती है। परमिबिलिटी का मतलब है अगर कोई सब्स्टा आउटर साइड में है या इनर साइड में है। जैसे सेल्स के अंदर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है और भी कई बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर वो अंदर बन रहे हैं तो वो बाहर कैसे जाएंगे, हमारी बॉडी में वर्क कैसे करेंगे? तो इस तरह से जैसे वो किस तरह से बाहर निकलेंगे, ऐसे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था उन दोनों मॉडल्स में, कौन से सैंडविच में और यूनिट लाइक में। अब उसके बाद आता है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, तो ये फ्लूइड की तरह था। मोज़ेक यानी कि कोई एक डायरेक्शन नहीं थी कि हाँ इसी तरह से होगा, मतलब कि एक लेयर टाइप से नहीं था ये। और ये जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया, दिस मॉडल एक्सप्लेन द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, इससे पहले जो दो मॉडल दिए गए थे कौन कौन से, सैंडविच और यूनिट लाइक मेम्ब्रेन, उससे पहले आपको 9th क्लास के अकॉर्डिंग दो ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन से मॉडल हैं। जैसे अगर आपको तीन मॉडल दे दिए, फ्लूइड मोज़ेक दे दिया, यूनिट मेम्ब्रेन दे दिया और सैंडविच लाइक दे दिया और एक अदर कोई दे दिया, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल से बिलोंग नहीं करता, विच मॉडल डज नॉट बिलोंग्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चार ऑप्शन होंगे तो आप आराम से पहचान सकते हैं जो भी अदर होगा वो नहीं है। अब इसके बाद आता है दिस मॉडल एक्सप्लेन द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो मॉडल था सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को शो करता है। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स क्या थे, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट हुए पीछे के, ये प्रोटीन्स हैं, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अब ये क्या होते हैं, इसका मैंने एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। ये जो है स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक का स्ट्रक्चर है और जो ये मैंने बताया आपको ये आपका सैंडविच लाइक मॉडल है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स होती है वो हमारी एक ये हमें बड़ी पूरी प्रोटीन है जो पूरे स्ट्रक्चर में आ रही है, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये हैं आपके फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका ये है प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल हो सकता है या प्रोटीन कैरियर हो सकता है, कैरियर प्रोटीन हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग अगर जैसे ये आप मानो ये आपकी इनर साइड है और ये आपका आउटर साइड है, आउटर इनर का मतलब क्या है, वो अंदर साइड में है, ये आपके आउटर साइड में। अगर कोई सब्सटेंस एज लाइक आप मानो कोई प्रोटीन है या फिर कोई और बायोमोलिक्यूल है जो हमारा अंदर सिंथेसिस हो रहा है, अब उसको सिंथेसिस होने के बाद उसको सेल से हमें निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, हम कहाँ से निकालेंगे? अगर वो पूरी एक लेयर है सिर्फ कपड़े की तरह तो ऑब्वियसली वो नहीं निकल पाएगी, कोई हार्ड सब्सटेंस है तो इनके अंदर ना पोर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से ये आराम से निकल सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, उसको कैरी करे। फिर इसके बाद आता है इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो इसको स्टेबिलिटी देता है। फिर इसमें पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल का मतलब होता है कॉर्नर पर, पेरीफेरल पेरी रीजन पर, तो ये आउटर साइड में प्रेजेंट होगी। और इसके फॉस्फोलिपिड से आपके जुड़े होंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके, ग्लाइको यानी कि ग्लूकोस और प्रोटीन्स प्रोटीन से बनी हुई। अब इसके बाद आता है आपका, मैं आपको एक स्ट्रक्चर है जो अलग से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, ये जो इसका ऊपर एक रीजन है इसे बोला हमने हेड, यानी कि इसका सिर है ये, और नीचे जो इसके दो धागे की तरह निकल रहे हैं वो है इसकी लेग, ये हो गया इसका सिर और ये हो गया इसके पैर, ठीक है। तो ये हुआ इसका हेड और ये हुई इसकी टेल। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, जो पानी से प्यार करते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, जो दूर भागते हैं उनसे, वाटर हेटिंग, ओके। अब इसमें होता क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। फोबिक का मतलब क्या है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से फोबिया होता है, फोबिया यानी कि डर होता है,
अब जैसे किसी को हो सकता है वाटर से हो, किसी को हाइट से हो, किसी और मोस्टली गर्ल्स को जैसे छिपकली से होता है, लड़कियां डरती हैं छिपकली से, तो किसी को किसी भी चीज़ का फोबिया होता है। तो फोबिया से ही यहाँ पर वर्ड लिया गया है फोबिक। ओके, हाइड्रो यानी कि वाटर, फोबिया फोबिक यानी कि डर, तो वाटर हेटिंग। और ये जो होता है ये नॉन पोलर होता है और ये पोलर होता है। ओके, अब इसके बाद आता है आपका फंक्शंस क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप ऑफ सेल, ये कोई भी सेल है जैसे कि हमारी सेल है, अब इस ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा फूल के बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी सेल शेप को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस में हेल्प करता है सेल के शेप को मेंटेन। ओके, शेप ऑफ सेल मेंटेन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड नेक्स्ट इज मैकेनिकल बैरियर, ये उसको मैकेनिकली भी सपोर्ट करता है, बैरियर का वर्क करता है। थर्ड इज सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, अब जैसे कि कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में, अगर हम अपनी बॉडी की ही बात करते हैं तो हमारी बॉडी को इन्वायरमेंट में जो सारी चीज़ें, सब चीज़ तो हमारी इम्पोर्टेंट, हमारे लिए नीड नहीं है, हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हमें उसको लेना होता है। हमारे जो यहाँ पे पोर्स होते हैं स्किन में, उससे ऑक्सीजन भी अंदर जाती है हमारी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाहर निकालनी है, जैसे स्वेट के थ्रू हम वाटर को निकालते हैं बॉडी से। तो इसी तरह से सेलेक्टिव परमिएबल सेल भी इसी तरह वर्क करती है, जैसे अगर यहाँ पे पोर होंगे एक तरह से स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इससे क्या है कुछ चीज़ें अंदर जा सकती हैं, कुछ चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सी चीज़ें आएंगी और कौन सी चीज़ें जाएंगी, तो ये उन चीज़ों को पहचानने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, रिसेप्टर बोलते हैं उनको, जो आगे जाके आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबल होती है, सेलेक्टिव ही चीज़ों को बाहर जाने देंगी और अंदर आने देंगी। नेक्स्ट है आपकी सेल कंटिन्यूटी, सेल्स की कंटिन्यूटी को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन में हेल्प करती हैं। और फिफ्थ पॉइंट है मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया प्रोटीन चैनल है, अब हो सकता है अगर अंदर कोई तुम्हारे सबस्टांस बना वो यहीं पे आके चिपक जाए, वो यहीं के यहीं बाइंड हो जाए, तो कैसे वो बाहर आएगा, हमारी बॉडी को तो बाहर ज़रूरत है उसकी, या फिर वो वेस्ट मटेरियल है तो भी अंदर क्या करेगा, वो तो उस जगह को ब्लॉक कर देगा ना एक तरह से। तो उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेल मेम्ब्रेन ख़त्म होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म होता है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल मैं आपको न्यूक्लियस कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।